Firebolt Dream Smartwatch Connect to Phone. How to connect Firebolt Dream Smartwatch to the phone. कैसे आप इसको फ़ोन से कनेक्ट करेंगे वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यदि आपके पास ये वाली वॉच है, काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें जो है इसको कैसे कनेक्ट करना है अपनी एंड्रॉयड फ़ोन से, राइट? कनेक्ट करने के लिए इसको कोई ज़रूरत नहीं है एंड्रॉयड फ़ोन से, बट फिर भी यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमें जो है अपने इस वॉच को अपने इस एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट करना है ताकि हमें कोई नोटिफिकेशन आती है तो डायरेक्टली हम फ़ोन को उठाने की बजाय अपनी स्मार्ट वॉच से ही कंट्रोल कर लें, राइट? तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर जो कार्ड्स वगैरह आए थे ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने ना पहले भी वॉचेस को बाय, तो उन सभी वॉचेस के अंदर ऑलरेडी ये फीचर्स था कि आप सभी उन वॉच को एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्पिंग ऑफ उनकी एक ऑफिशियल एप्लीकेशन थी। तो अभी जहाँ इसके अंदर कार्ड्स जो निकले थे, मैंने आपको काफ़ी रीड करके बताना है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये जो कार्ड है, इसके अंदर लिखा है बोल्ड प्ले ऐप। मुझे लगा कि यही एक एप्लीकेशन है जिसको आपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करना है, राइट? तो मैं अगर प्ले स्टोर पर जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से टाइप करता हूँ बोल्ट फायर ऐप, ओके। जैसे ये देखो, यहाँ पे आता है बोल्ड प्ले ऐप आ गया, ये देखो। तो अभी ना इसके अंदर जो है, यहाँ पे पहली बात तो एप्लीकेशन शो ही नहीं करती आपको प्ले स्टोर पे, ठीक है? यहाँ पे एक फायरबोल्ट एप्लीकेशन, ये वाली, अगर आप इस पे जाएंगे एफबी एक्टिव, ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन है। जो तो ये जो एफबी एक्टिव एप्लीकेशन है ना, इनकी फायरबोल्ट वालों की ऑफिशियल एप्लीकेशन, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है ब्लूटूथ को भी टर्न ऑन करके रखा हुआ हूँ एंड इसके, बट ये फिर भी इसको स्कैन करके सर्च नहीं कर पा रहा, इट मीन्स यहाँ पे इसके लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई है, राइट? तो मैं इसको बैक कर देता हूँ, एफबी एक्टिव भी काम नहीं कर रही है, ठीक है? अब अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने स्कैनर दिया है। अगर तुम इसको स्कैन करते हो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इस तरीके, जैसे कि ये वाला जो स्कैनर दिया हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करो। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इस तरीके से जाओ एंड कैमरा एप्लीकेशन को जब ओपन करोगे ना, यहाँ पे आपको स्कैनर का ऑलरेडी ऑप्शन मिल जाता है, ये देखो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो है इस तरीके से स्कैन करेगा, ये देखो। आपको सही से प्रॉपरली करना ये, ऑलराइट? तो ये जो है इस तरीके से एक लिंक आया था, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखते हैं, जैसे आप सभी यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑलरेडी आपको जो है रिडायरेक्ट करेगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी एप्लीकेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये जो है एपी के फॉर्म में एक एप्लीकेशन आती है, ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया, ये है एप्लीकेशन, ये जो है बोल्ट, ये देखो बोल्ट प्ले। ये एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको कॉइन्स को इकट्ठा करने के लिए दिया जा रहा है। तो मुझे एक चीज़ का समझ नहीं आ रहा है, ये जो है स्कैनर क्यों दिया है इन कंपनी वालों ने, यहाँ पे आपको स्कैन करने के लिए दिया है। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब अजीब है कि यार इन्होंने स्कैनर दिया है कि स्कैन कर लो, बट ये जो है एप्लीकेशन आपकी फ़ोन को घड़ी से कनेक्ट नहीं करवाता है, ये जस्ट आपको कॉइन्स इकट्ठा करके देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। और रही बात यहाँ पे, और भी मैंने कार्ड्स को रीड किया तो इसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आप सभी अपनी इस वॉच को एंड्रॉयड फ़ोन को जो है एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी यहाँ पे रिसर्च कर डाली इस पूरी ही, यहाँ पे इसको डिटेल में मैंने देख लिया कि भाई इसके अंदर कुछ मेरे को मिल जाए कि कैसे कनेक्ट किया जाए, तो ये जो है इन्होंने ऑप्शन नहीं दी है। और कहीं पे भी जाओगे सेटिंग्स के अंदर, मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं आ रही है। तो अगर बात करें इसको कनेक्ट कैसे किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों इन्होंने कोई ऐसा फीचर दिया है कि इसको जो है एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि एक वॉच जो है अपने आप में एक कंप्लीट वॉच है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अंदर आपकी सिम डल जाती है तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे कॉलिंग वगैरह जो है आप इंटरनेट वगैरह सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। बट मेरे को ना एक इशू ये आ रहा है कि यार मैं ना हमेशा से इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट करके रखता हूँ, मेरे पास जो है वाईफाई अवेलेबल है, तो मैं ना इसमें सिम नहीं डालता हूँ, तो मैं इसको बिना सिम के यूज़ कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे इंटरनेट चाहिए होता है। तो वाईफाई से तो कनेक्टिव हूँ तब तक मेरा काम चल जाता है, बट बाई चांस जैसे कि मुझे कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई कॉल आती है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से पिक नहीं कर पा रहा हूँ। बस मुझे इतना ही यहाँ पे डिसएडवांटेज लगा इस घड़ी का, और कुछ भी नहीं। और इस प्राइस रेंज में मैंने जब इसको बाय किया था तब ये जो है 6000 की चल रही थी, अभी यहाँ पे इसका जो है रेट 1200 बढ़ गया है एंड अभी जो इसका प्राइस है वो 7299 ऐसा कुछ पहुंच चुका है। तो ये तो चलो ठीक है, 1200 का फ़ायदा हो गया कि भाई हमने चीप प्राइस में बाय कर लिया था, बट अभी इसका मेरे को यही एक सही नहीं लग रहा कि इसमें कनेक्ट करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी है। बट इन फ्यूचर लेट्स सी, क्या पता ये जो हमें कोई एक ऑफिशियल एप्लीकेशन दे दें इसको कनेक्ट करने के लिए। फिलहाल जो है एक वॉच कंप्लीट वॉच है, डेट्स आई, इन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है कि भाई अपनी जो है आप इस एंड्रॉयड फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो वॉचेस थी लाइक 1200 की जो मैंने वॉच देख रहा था, 1500 की वॉच आती थी, वो सब कनेक्ट हो जाती थी, ऐप भी कनेक्टिव था, ऐसे काफ़ी एप्लीकेशन थी जो कनेक्ट हो जाती थी। तो ये जो है कंप्लीट वॉच है, इसकी जरूरत ही नहीं है कि आप कनेक्ट करो। बस हाँ, जो लोग यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट हैं, सिम नहीं डालें, उनको जरूरत पड़ेगी। तो बाकी आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, मेरे को कुछ और अल्टरनेटिव तरीका मिलेगा, मैं डेफिनेटली शेयर करके बता दूंगा आपको कैसे कनेक्ट करना है। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे को इसका जैसे ही सलूशन मिलता है मैं आपको डेफिनेटली शेयर कर दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।